ये वीडियो पूरी देखो। काम काज करने वाले, काम की वजह से थक जाने वाले मुसलमान की हदीस पाक में क्या फजीलत बयान की गई है? यानी जो अपने हाथ से काम करके शाम को थककर अपने घर वापस जाता है वो मगफिरत याफ्ता होकर शाम करता है। कब मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ना मना है? अरफा के दिन मुजदलफा के मैदान में हाजियों को मगरिब की नमाज मगरिब में पढ़ना मना है। हदीस पाक में खाकर शुक्र अदा करने के बारे में क्या फरमाया गया? नबी पाक ने इरशाद फरमाया, खाकर शुक्र अदा करने वाला सब्र करने वाले रोजेदार की तरह है। ये वीडियो पूरी देखो। हमको ये भी जानना बड़ा अहम है कि ये जो हैज का मसला है इसमें कौन से ऐसे काम है जो एक मुसलमान औरत को नहीं करने चाहिए। यही बुनियादी मालूमात हमको फराहम होने जरूरी है। इस्लामी नुक्ते नजर से यानी कुरान और टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस की रोशनी में तीन ऐसे बुनियादी काम हैं जो एक मुसलमान औरत हैज की हालत में नहीं कर सकती। सबसे पहली चीज, हैज की हालत में मुसलमान औरत फर्ज, नफिल, सुन्नत या वाजिब नमाजें नहीं पढ़ सकती। रमजान के जो रोजे होते हैं या अलग से जो नफिल रोजे हो सकते हैं वो भी नहीं रह सकती। इसी तरीके से मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। इसी तरीके से उमरा या हज में जो तमाम अराकीन हैं, उसकी जो इबादतें हैं, उसमें तवाफ़े काबा नहीं कर सकती। ये वीडियो पूरी देखो। 70-70 बार यासीन पढ़ ली, 10-10 कुरान खत्म कर ले तो क्या फायदा, जब हमें यही नहीं पता कि हमने पढ़ा क्या है, हमारा रब हमें क्या कह रहा है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, अगर वो हमसे किसी और ज़ुबान में बात करे तो हम ट्रांसलेशन ढूंढ ढूंढ कर उसकी बातों को समझते हैं। इनफैक्ट उसकी ज़ुबान सीखते हैं कि हमारा उससे ताल्लुक़ मजबूत हो। लेकिन अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं, किस ज़ुबान में हमसे बात कर रहे हैं, हमें उसकी परवाह ही नहीं, क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हम थोड़ी उससे मोहब्बत करते हैं। ये वीडियो पूरी देखो। हदीस पाक का मफहूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी हरगिज़ भी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज के तुलू होने से पहले फजर की नमाज और सूरज के गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। ये वीडियो देखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मुसलमान हैं तो एक मिनट ये हदीस ज़रूर सुन के जाएं। क्या आपको पता है वो कौन सी नमाज है जिसको अदा करके हम अल्लाह ताला के अमान में हो जाते हैं? चलिए जानते हैं। वो नमाज फजर की नमाज है जिसको अदा करके हम अल्लाह ताला के हुफ्ज़ो अमान में हो जाते हैं और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं और अल्लाह ताला हम मुसलमान भाई बहनों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अदा करें। आमीन सुल्लाह।